Zombie Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताना जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने NFT के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसको कॉल इज यूनिकॉर्न हॉर्सेस कैसे बना सकते हैं। मतलब कि देख सकते हैं कि ऐसे हॉर्सेस में जब कि आपको बना सकता है, बल्कि इजी कोई इसके लिए आपको फोटोशूट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, इजली और मोबाइल आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज NFTs मैंने बनाई है, तो आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो चलें आप इसको बनाने की तरफ निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है इनको बनाना, लेकिन ये आप देखें क्रिएटिविटी कैसे आएगी, सब कुछ ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू आवर ऐप। तो इसके लिए जो आपको ऐप चाहिए वो है NFT यूनिपिक्सल ऐप। तो आपको देख रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गो और इसको डाउनलोड करें। तो NFT तो प्ले स्टोर से हो जाएगा। तो इसको अभी ओपन करते हैं, आपको बताता हूँ कि भाई यूनिपिक्सल से आप NFT कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करना। सो लेट्स गो टू इंद्रडू ऐप। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको आप अभी देखें, हम इसके ऐप के अंदर आ गए। तो वैसे इसके अंदर आप गिफ्ट्स भी बना सकते हैं जैसे ऐप की। तो देख सकते हैं यहाँ पे टू टाइप्स के, एक पिक्सलाइजर्स भी है और मतलब के और करेक्टर मेकर भी है। अब करेक्टर मेकर पे हमें जाना है। करेक्टर मेकर में खुद ब खुद यहाँ पे एक है यूनिट ड्रीम्स और ऊपर आपको दिख रहा है गोस्ट, इसका एक नया करेक्टर भी ऐड हुआ है। तो आप ये भी बना सकते हैं और यह यूनिट ड्रीम्स मतलब कि यूनिकॉर्न हॉर्सेस, इनको आप यूनिकॉर्न ही कह सकते हैं। तो वो भी अब यहाँ पे फीचर्ड कुछ लिखे हैं पीछे, लेकिन आपको हम लोग फ्री अब न्यू करेंगे तो बिल्कुल न्यू क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पहले ही दिए हुए होंगे नए, तो उनको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग न्यू पे जाएंगे, मैं आपको न्यू तरीके से बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं अभी बॉडी आ जाएगा। बॉडी कलर्स आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउनलोड मतलब कुछ फ्री होंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कलर ले लेता हूँ। लेट्स गो टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अब आपको लेना है, तो बैकग्राउंड भी अपने आप देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब जाके आप NFT एडिटर पे इसको जाके मतलब कि पिक्सलाइजर पर जाएंगे, पिक्सलाइजर से आप फिर पिक्सल आर्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे मैं मतलब कि इसको अफेक्ट्स दे रहे हैं, अभी देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको कर लिया। अब लेट्स गो, अब यहाँ पे मैं ये दबाऊँगा। सो सेविंग फ़ोटो एंड प्रोजेक्ट, अब ये जाएगा वहाँ पे। अब देखिए पीछे की तरफ थोड़ा चेंज हो गया हमारा, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब आपको बंदे की ऊपर हो ये तो हमारा कलर से, अब आगे जाना है कि बाल वाल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाल कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला कुछ चलो ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इस बाल के स्टाइल्स और भी हैं, अब यहाँ पे ये ले लें फिर ये ले लें, मैं थोड़ा कुछ सेम ही ले लेता हूँ। तो चलें ये कुछ ठीक लग रहा है। तो अब हमें फेस के ऊपर जाना है कि इसका फेस कैसे बनाएंगे। सो फेस बनाने के लिए इट्स लाइक इन नेट, ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, फिर ये भी है ये ठीक है। तो फेस फेस की कुछ अब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कुछ एनिमेशन टाइप के फेस भी देखें, लेकिन ये वीडियो में काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसमें फ़ोटो बनानी है, तो फ़ोटो बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देखें एनिमेटेड भी फ़ोटोज़ के लिए होते हैं मतलब कि वीडियोज़ के लिए होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर और भी स्टाइल्स हैं, ये मैंने खुद कस्टमाइज़ किया था ये वाला, तो ये वाला आप खुद भी बना सकते हैं। अभी प्लस का बटन दबाएंगे खुद बना सकते हैं आप लोग। अब उसके ऊपर कुछ आपको डालना है, जैसे वो देखें वहाँ पे, अभी देखें ज़्यादा ऊपर लग रहा है या ये अभी डाउनलोड हो रहा है। ये आपने कैप दे दी वगैरह वगैरह, ये आपने स्टोन मारी, स्टोन भी ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब एयर्स पे चले जाना है, अभी उन्होंने वाल अब एयर्स भी तो होंगी, तो एयर्स यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये कोई अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लेता हूँ ये। अब एयर इसके साथ रिंग्स भी आपको उसको आप दे सकते हैं, तो रिंग्स मैं ये दे देता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आगे चलते हैं शर्ट वगैरह देने, तो शर्ट्स काफ़ी नॉर्मल कस्टमाइजेबल दी हैं, तो मैं ये नहीं ले रहा, तो ये नहीं कुछ ना कुछ चलो ये कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर मैंने इसको ये ठीक लग रहा है, चलो ठीक है हमने ले ली। बाकी चलते हैं बंदे की मतलब कि कुछ आपको चेन वेन पहनानी हो, तो यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया या फिर ये चेन दे दी। और कुछ ना कुछ करना हो तो देखें यहाँ पे अमेरिका का मैंने साइन दे दिया, नहीं इंग्लैंड का। तो ये काफ़ी अच्छी आपकी NFT तैयार हो गई है भाई, बस सिंपल सा इतना है। और भी अगर आप इसमें चीज़ें ऐड करना चाहें तो मतलब कि यहाँ पर जाके ना आप प्लस करके कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम उसको सेव करेंगे, ऊपर की तरफ बटन आपको देखेगा उसको दबाएंगे, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मिंट NFT है,
आप NFT को मिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट ओपन सी के ऊपर, मतलब कि अभी यहाँ से मैं नहीं कर रहा, मैं तो मतलब कि अलग सी करता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको सेव डायरेक्ट करेंगे तो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी, या मिंट NFT करनी है तो डायरेक्ट मिंट को दबा देंगे तो खुद ब खुद ही मिंट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, अब जाके देखते हैं तो ये कैसी आई है। सो फ्रेंड्स फाइनल लुक आई है भाई इस NFT की, आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं देख सकते हैं अगर जूम करके भी देखूँ तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, जो मैंने चीज़ ऐड की थी सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, ऐसा लग रहा है आपने खुद क्रिएट की हो, और यहाँ पे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं, उसको जो कुछ क्रिएटिव चीज़ें मिल जाती है, और यहाँ पे मतलब कि यूनिपिक्सल ऐड भी करता रहता है, मतलब कि अपने छोटे छोटे टूल्स वगैरह मतलब कि और नए नए लाता रहता है। सो अगर तो आप देख सकते हैं कैसे बहुत ज़बरदस्त आप और भी बना सकते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली ऐसी क्रिएटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।